नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर गंज बासौदा से है, जहां पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए युवाओं की आवाज बनने गंज बासौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए अनेक मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने SGS कॉलेज के पास सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक निशांक जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि युवाओं, बेरोजगारी, महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो या कमलनाथ जी के 5 वचनों को पूरा करने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज यह यात्रा शुरू की जा रही है। यह यात्रा 1 माह तक चलेगी। इस विशेष यात्रा में हम सभी मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के संगठन के प्रति समर्पित होकर क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित भाव से जन जागरण करेंगे। और इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता राजेश महेश्वरी, ब्रज महाराज, युवा तुर्क संतोष शर्मा समेत अनेकों लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह चुनावी वर्ष है और सभी राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह देखने में आ रही है, जिसमें प्रमुख दलों के भावी प्रत्याशी बाद के दावेदार पूर्णता सक्रियता के साथ अपने दल के प्रति समर्पित भाव से जागरूक रहने के लिए अभियान चला रहे हैं। यदि मुझे कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है बासुदा की जनता से, गंज बासुदा ग्यारसपुर के लोगों से। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल्स करीब 20 सालों से टैंकर या पाइपलाइन के जरिए कई क्षेत्रों में ओपीएम प्रबंधन के जरिए पानी सप्लाई करती है, जो कि वर्तमान में पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जबकि इन क्षेत्रों के बोर और कुएं का पानी पीने लायक नहीं है, जिसकी पुष्टि भी प्रदूषण बोर्ड की तरफ से कर दी गई है। फिर भी ओपीएम प्रबंधन की तरफ से जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, ओरिएंट पेपर मिल की तरफ से लगातार क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को अनदेखा कर अपने ठेकेदारों को लालच देकर ठेका चलाया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र के लोग ओपीएम पेपर मिल का प्रदूषण झेलने को मजबूर हैं। मांग की जा रही है कि यहां जो भी समस्या पैदा हो रही है उनका समाधान कराया जाए। क्षेत्रवासी लोग हैं या जो ओपीएम प्रबंधन के लोग हैं, यहाँ गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, पूरे गंदे पानी आ रहे हैं। ना ही हमारे क्षेत्र के लोग के लोकल लोगों को काम रोजगार कर रोजगार से काम भी नहीं दे रहे हैं, और बाहरी आके ठेकेदारी से काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग क्या करें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, ये बताइए। हमारी खेती किसानी भी करते तो पूरे गंदे पानी यहाँ की जाते, पूरे गंदा पानी से पूरा फसल भी बर्बाद हो रहा है। ओपीएम जो कॉलोनी है उसमें हम काम भी नहीं कर पा रहे, एसी भी नहीं दे रहे, तो काम हम किस तरह के करें। मेहर के नादन देहात थाना क्षेत्र के कंचनपुर में दबंगों का आतंक देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर में दो गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद महिला और युवतियों पर दबंगों ने हमला बोल दिया। जब पीड़ित परिवार ने नादन देहात थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो आरोप है कि उन्हें थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं मारपीट
में घायल पीड़ित महिलाएं अपना इलाज कराने देर रात सिविल अस्पताल पहुंची। पीड़ित महिलाएं प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही। नगर उदयपुरा में लगातार चोरी की वारदातों और चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आती रहती हैं। लगातार हो रही स्नैचिंग की घटना के मद्देनजर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि एक वृद्ध महिला के गले से मंगलसूत्र, दूसरी तरफ SBI बैंक मैनेजर की पत्नी के गले से चैन और तीसरी घटना दूध बेचने वाली महिला के गले से मंगलसूत्र छींटने की है। फरियादियों की रिपोर्ट पर थाना उदयपुरा में तत्काल रूप से थाना प्रभारी ML भाटी और पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर टीम गठित की गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में नजर आई है। बता दें कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि चैन स्नैचिंग के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तीन वारदात ऐसी रही जिसमें महिलाओं के साथ किसी की चेन खींची गई तो किसी का मंगलसूत्र, जिसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है और बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। थाना उदयपुरा में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ रही थी, जिसमें कल 5 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जीराबाई के से एक मंगलसूत्र और एक हार उसका छीन के ले गया था, जिसमें एक नंबर डिटेक्ट हो गया था 2596 मोटरसाइकिल का। उस नंबर के जरिए हमारे यहाँ जो वारदात हो रही थी उनको सभी को ट्रेस करते हुए हमने आरोपी को पकड़ा है। मुंबई की सूचना से कि महिला से एवं एक दूध देके जा रही थी भाई शशि भाई से, और जो अभी तत्काल हुई थी 5 तारीख घटना, उन सभी को ट्रेस करके 100% हमने आरोपी से जब्ती भी कर ली है और अब चेन स्नैकिंग की जो वारदात है उदयपुरा में लगभग समाप्त हो गई। सागर जिले के निवासी पटेल परिवार लगभग 6 वर्षों से संबंधित विभाग कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, पर अब तक मकानों और भूखंड में बारिश के पानी के जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जहां प्रदेश के मुखिया गरीबों की मदद करने का मंच से दावा करते हैं, वहीं केसले के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी पीड़ित परिवारों की समस्या का समाधान के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों सरकार ध्यान रखे, जनता परेशानी से जूझ रही है और जनप्रतिनिधि इसका कोई भी हल नहीं निकाल रहे हैं, ना ही यहां पर देखने कोई पहुंचा है और पीड़ित लगातार 6 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर अधिकारी कोई भी इस मामले में सुध नहीं ले रहा। आज की स्थिति में खाना बना है छोटे छोटे बच्चे नहीं बना है, फिर भी फिर क्या आवेदन दिया है फिर आज भी दिया है। तो फिर क्या आशाएं हैं? आशाएं बोल रहे हैं कि आप उधर जाओ। ऐसा कितने समय से बोला जा रहा है? 6-7 साल वहीं जा रही सर। हमारे घर में पानी भरा है, 6 साल से पानी भर रहा है, जब से रोड बना है कोई कुछ नहीं करता, सब जगह आवेदन दे। कितने आवेदन दे चुकी लगभग सर? हम लोग 2019 से दे रहे हैं, 5-6 आवेदन दे चुके हैं। निवास कहाँ है आप लोगों का? सर वहाँ कीर घाट में पानी, पानी, पानी की समस्या। क्या पानी की समस्या? भीतर भर रहा है। कितनी है जगह आप? 2 एकड़ है। हाँ। तो पूरे में पानी भरा में आप चल कर देख सका। तो इस संबंध में ये समस्या कब से है भी आप? 6 साल से। 6 साल हो गए। 6 साल आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। ये क्या है और सुना तरंजा को नहीं कर रहा, गरीबों को नंजा बेटा। मह नेशनल हाईवे 30 पर कटनी छुके ही
के बीच खड़े ट्रक से एक वाहन टकरा गया। इस भीषण दुर्घटना में वाहन के कैबिन में आग लग गई, जिससे चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में तमाम अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने सड़क पर खड़े किए गए ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं सीतामऊ नगर परिषद में आने वाली मटन शॉप की दुकानें सावन के महीने में बंद रखने को लेकर हिंदू रक्षक आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम समेत तहसीलदार को ज्ञापन दिया। तहसीलदार को ज्ञापन में बताया गया कि हिंदू के इस पवित्र धार्मिक सावन के महीने में हिंदू समाज की जनभावना को देखते हुए पवित्र मास के सावन महीने में नगर में लगी हुई सभी मटन शॉप विक्रय की दुकानें बंद रखी जाएं। इस दौरान हिंदू रक्षक आर्मी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं सिरोही नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ प्रभारी बाल मुकुंद कुशवाहा और शिकायतकर्ता संदीप पालीवाल के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि वाटर फिल्टर प्लांट के शिकायत को लेकर जांच दल पहुंचा था और सरोज नगर के रॉयल सिटी कॉलोनी में वाटर फिल्टर प्लांट में गंदगी और कीड़े निकलने की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता संजीव पालीवाल ने खाद्य विभाग में शिकायत की, जिसकी जांच करने के बाद जिला विदिशा का दल पहुंचा। मामले की जानकारी लगते ही प्रभारी सीएमओ बाल मुकुंद को कुशवाहा स्थल पर पहुंचे, जहां पर शिकायतकर्ता संजीव पालीवाल दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों एक दूसरे से मारपीट करने लगे। तो सीएमओ और शिकायतकर्ता के बीच में झड़प का मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि वाटर फिल्टर प्लांट को लेकर शिकायत की गई थी और इसी की वजह से विवाद हो गया। बता दें कि पानी में गंदगी और कीड़े निकलने की शिकायत शिकायतकर्ता ने की थी, जिसके बाद सीएमओ मौके पर पहुंचे और इस बीच सीएमओ और शिकायतकर्ता के बीच में पहले तो बातचीत हुई। बातचीत के बाद विवाद होने लगा और विवाद फिर इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। वाटर प्लांट है, वाटर प्लांट के जांच के लिए एक निरीक्षण दल आया हुआ था वहाँ प्लांट पर। तो उस निरीक्षण दल के साथ में संजीव पालीवाल जी हैं, अपने यहाँ सिरोज के लिए भोपाल में रहते हैं, वो भी साथ में आए थे। तो सीएमओ साहब के द्वारा बताया कि वो अंदर प्लांट के अंदर पहुँच गए और उनके द्वारा जो है गैर अवैधानिक तरीके से प्लांट के अंदर चले गए वो, और अनावश्यक रूप से वहाँ गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से बताया सीएमओ साहब ने, अभी वही चर्चा चल रही है, उसकी जानकारी ले रहे हैं डिटेल, क्या क्या क्रम हुआ क्या हुआ। उसके बाद में जैसे भी परिस्थिति बनी गई उस हिसाब से पुलिस जांच करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मारपीट करते हुए नहीं, वीडियो तो नहीं देखा हमने, क्या स्थिति है वीडियो अभी देखने के बाद क्लियर हो। वो टीम अधिकृत थी कि नहीं जांच करनी है, अभी वो जांच कर रहा है। अभी हम टीम वाले से टीम से भी संपर्क करेंगे, अभी हम कौन सी टीम आई है, क्योंकि हमारे पास सूचना टीम की ओर से नहीं आई है। खबर कटनी से है, जहां पर बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक एक में साईं मंदिर के पीछे और पन्नावोन में केक कंस्ट्रक्शन अवैध रूप से फ्लैट बना रहा है। बता दें कि इस निर्माण कार्य में नगर निगम से अनुमति भी नहीं ली गई है और न ही नक्शा पास करवाया गया है।
अवैध कॉलोनी में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इलाके के लोगों को सम्मानीय उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि तत्काल इस दिशा में कार्य किया जाए और अवैध निर्माण को रोका जाए। तो अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं फ्लैट, जिसको लेकर केके कंस्ट्रक्शन पर आरोप लगे हैं कि बिना अनुमति के ये निर्माण हो रहा है और इस निर्माण की शिकायत की गई है, क्योंकि इस निर्माण के लिए किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। वहीं झाबुआ जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पीड़ित लोग इकट्ठा होकर चिट फंड कंपनियों के विरोध में अम्बेडकर पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पर नारेबाजी करते हुए लगातार कंपनियों के एजेंटों ने अपनी समस्या संगठन में साझा की। जिला प्रशासन को समस्या से अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक ने झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं समस्या के हल न होने पर संगठन के पदाधिकारियों ने राशि न मिलने पर मतदान का बहिष्कार कर वोट न देने की बात कही। वहीं रतलाम झाबुआ सांसद गुमनलाल सिंह डमोरा दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाए गए। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, उस दिन हमने माननीय सांसद महोदय को भी ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने पहले तो आवेदन हाथ में ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने अचानक क्या उनको दिमाग में आए थे, बोले आप किस प्रकार किस व्यक्ति से कैसे आवेदन दे रहे हो और आप जो है किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा सर ज्ञापन देना है, ये हमारे आपका हम सहयोग चाहते हैं कि आप सांसद होने के नाते यहाँ के जिला प्रतिनिधि होने के नाते जनता के आप हमारा सहयोग करें और ये संसद में इसका मुद्दा उठाएं ताकि पीड़ित परिवारों का पैसा जल्दी से जल्दी मिले। तो हमारे एक साथी ने किसी ने बीच में बोल दिया सर उसी मिलेगी, भाई उसको नॉलेज नहीं था, उसने बोले उसी मिलेगी। तो मैंने उसे हाँ हाँ कर दी कि सर उसी, बोले तुम मैं क्या किसी का चपरासी हूँ क्या, मैं किसी का नौकर हूँ क्या, तुम मेरे से उसी मांग रहे हो, भलते उठ के चले जाते हो क्या। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं सर, आपको ज्ञापन दे रहे हैं ठीक है, किसी ने बोल दिया हो तो उससे क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, आपसे कोई उसे ले थोड़ी ली, हमने नहीं लेंगे आवेदन, जाओ आप यहाँ से, आपको जो होना है उसको कर लो। देखिए साहब हम ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार तपजप नाम से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम देश में जो ये ठगी की घटनाएँ हुई हैं लगभग 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएँ हुई हैं, उनका भुगतान कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, उसमें हर जिले के जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी नॉमिनेट करते हुए सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि वो अपने जिले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से आवेदन लेगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया आरंभ करेगा और 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस करेगा। इसको लेकर के आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने यहाँ पहले से भुगतान के आवेदन लेने के लिए एक स्पेशल काउंटर की स्थापना कर दी है कक्ष संख्या 15 में, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कर दी है। आज हम मिले थे तो उनसे हमने तहसील स्तर पर इस तरह के काउंटर स्थापित करने की मांग की है। खबर सीधी से है जहां पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान एक आदिवासी ने मंच से चुरहट विधायक पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुरहट विधायक चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद उन सारी बातों को भूल जाते हैं। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आम जनता को कई बार दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो विधायक पर आरोप लगाए गए हैं वादा खिलाफी के, जिसके तहत आपको बता दें कि चुनाव के समय पर लालच देने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि लुभावने भाषण दिए जाते हैं मंच से, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे पूरे नहीं किए जाते हैं।
मध्य प्रदेश के कराह जनपद के ग्राम रिछी में जन्मे सागर उपाध्याय बचपन से ही समाज के लिए कुछ अलग करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सागर उपाध्याय अपने जीवन काल में सैकड़ों पौधे को बचपन से ही देखरेख कर उनको नया जीवन दे रहे हैं। सागर उपाध्याय 12 साल की आयु से ही प्रकृति से अनूठा प्रेम करते आ रहे हैं। वहीं अपने निजी पैसों से सागर उपाध्याय पेड़ की पौधे खरीदते हैं और सागर के पिता किराना व्यापारी हैं, लेकिन सागर की रुचि अपने पिता के व्यवसाय में होते हुए पेड़ों को संरक्षित करने में है। तो 12 साल की उम्र से प्रकृति के करीब हैं सागर, जो कि खुद के पैसों से पौधे खरीदते हैं और उन्हें लगाते हैं और उसके बाद उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति से काफी ज्यादा प्रेम है, इसलिए वह हमेशा से ही पौधे लगाते हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी झुकाव को दिखाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।